सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे सर। विकास कुमार, कांग्रेस जी नेता। सर, एक चीज़ बताइएगा, 5 नवंबर को नवादा आईटीआई के मैदान में जन चेतना महासम्मेलन को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता का ही ये सारा मामला होता है, बिकॉज कि जो सरकार अभी है भारत में, ये एक जनता की विरोधी सरकार है, जिसमें ना महंगाई पे कोई कंट्रोल है, ना अपराध पे कंट्रोल है, ना रोजगार का कोई मामला है। तो इसको हम लोग पब्लिक को जगाने के लिए, पब्लिक को ये बताने के लिए हम लोग इसे एक सम्मेलन का आयोजन किए हैं, जिसका नाम हम लोग जन चेतना महासम्मेलन रखे हैं। इसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रखर वक्ता जिनको पूरे हिंदुस्तान जानता है आज के डेट में, कन्हैया कुमार, तारिक अनवर साहब, शकील अहमद खान साहब एवं एआईसीसी महासचिव अजय कपूर साहब आ रहे हैं, जो जनता के बीच में अपना बातों को रखेंगे। और हम चाहेंगे कि इसमें, चूंकि हम नवादा जिला से हैं, और हम चाहेंगे कि आपकी इसमें आप लोगों का काफी ज्यादा समर्थन हमको इस रैली के माध्यम से मिले। सर, आप सांसद उम्मीदवार के रूप में नवादा जिला से आ रहे हैं, तो जनता को लेकर के क्या संदेश लेकर आ रहे हैं? नवादा जिला के हम निवासी हैं, नवादा जिला में मेरा अपना घर है, और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, जैसे मोस्टली बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, हर गांव में ये लोग मिल जाएंगे, काफ़ी लोग की दिल्ली में है, गुजरात गुजरात में है, सूरत में है, परिवार से दूर, और वो उसका रोजगार का कुछ ना कुछ व्यवस्था करवाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, पानी और हॉस्पिटल्स, ये सब का जो मूलभूत समस्या है, इसका जो भी जहाँ पे समस्या है इसको दूर करने का कोशिश करेंगे भविष्य में। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा व्यवस्था में मेरे हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है, आज के डेट में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड प्लान सरकार का चलते रहता है आजकल, और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स भी हैं, और इंफ्रा में भी काफ़ी सुधार हुआ है स्कूल में, तो उसी व्यवस्था को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट जो चाहिए होगा उसको बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। नवादा जिला में उच्च शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नवादा जिला में जैसे कोई भी चीज़ सरकार करती है तो वो कुछ धीमे धीमे ही होता है। जो नवादा जिला का जो पॉपुलेशन था पहले, पहले हम लोग गया जिला से अलग हुए, तो उसके बाद गया में था यूनिवर्सिटी, अभी नवादा में आपको कहना से कॉलेज तो है नवादा में, बट उच्चतर शिक्षा के लिए आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो उच्चतर शिक्षा के लिए होना चाहिए नवादा में कॉलेज होना चाहिए, कुछ क्या पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह होना चाहिए, तो इसके लिए भी आगे मैं आपसे प्रयास। जनता उम्मीद रख सकती है कि उच्च स्तरीय शिक्षा की यहाँ व्यवस्था आपके जरिए चुनाव जीतने की बात हो सके? अगर आप, ये तो सीधा बात है, ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है कि चूंकि आपका जहाँ घर है, आप बिल्कुल ये चाहेंगे कि वहाँ पे सब कुछ सारा व्यवस्था हो, तो हम भी चाहेंगे कि बिल्कुल वहाँ व्यवस्था हो। और एक खास उद्देश्य है कि गोविंदपुर प्रखंड में सरकंडा पंचायत एक है, जो कि सकरी नदी का उस पार बसा हुआ है, और उसको बरसात के दिनों में प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 40 किलोमीटर तय करना पड़ता है, जिसका कारण है कि सकरी नदी पर पुल नहीं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जहाँ तक मेरे पास खबर है कि माननीय विधायक जो हैं यहाँ के, मोहम्मद कामरान जी, इस मामले में पहल किए हैं, और आशा है कि बहुत जल्द इस पे सरकार, राज्य सरकार उचित फैसला भी लेगी और लोगों को इस समस्या से निजात भी मिलेगा। तो क्या उम्मीद है कि पुल निर्माण बिल्कुल होगा। सर, गोविंदपुर में अभी तक एक भी यानी इंटर से ऊपर का कोई भी कॉलेज नहीं है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक समस्या है, तो ये निश्चित रूप से जब हमको मौका मिलेगा तो हम इस बात को
आगे रखेंगे और कोशिश करेंगे जो ऊपर के लोग हैं उनके माध्यम से कि इस मामले में कुछ किया जाए और गोविंदपुर में व्यवस्था किया जाए।